दोस्तों, YouTube की तरफ से एक मेल आया है, एक अपडेट आया है। अगर आपका मेल आईडी है तो उसमें भी आपको मेल प्राप्त हुआ होगा। आपके एडसेंस अकाउंट जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना है। और इसे आपको पूरा फिल करते हैं तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, आप इसे फिल कर लेंगे। इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करने से आपको ये फ़ायदा है कि जो US में आपका वीडियो से अर्निंग होगा या आपका एडसेंस में अर्निंग होगा तो उसमें जो 24% कटेगा वो आपका 15% ही कटेगा। तो आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसी के द्वारा आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगता है, फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से आप टैक्स इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन कर लेंगे। जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज है वो लोग टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जिनका नहीं है वो अभी नहीं भरेंगे, कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल इनकम इन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नया अपडेट और नया नया जानकारी हम आपको इस वीडियो में इस चैनल पर देते रहेंगे। तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है। अगर आप टैक्स इन्फो फिल करना चाहते हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगा मैनेज टैक्स इन्फो, उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ देर बाद आप देख सकते हैं ऐड टैक्स इन्फो पे आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही आपका जो गूगल एडसेंस का पासवर्ड है वो फिलअप करना होगा, उसके बाद साइन इन करके ही आप ये टैक्स इन्फो को फिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो गूगल एडसेंस का जो पासवर्ड है यहाँ पर टाइप कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम शो कर देगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप इंडिविजुअल है, आप सिंगल हैं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाए तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप नॉन इंडिविजुअल पे आप टिक करेंगे। तो चलिए मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो उस पर टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा आप US में रहते हैं यानी कि यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं तो यस करें, अगर नहीं रहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो आप इंडिया में हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपका खुद का चैनल है, आप सिंगल हैं इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शंस पे। अगर आपका ये बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस वाला चैनल है तो आप सेकंड ऑप्शंस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप DBA ऑप्शंस को आप छोड़ देंगे। उसके बाद अपना कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपका कौन सा कंट्री है। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, एक फॉरेन टीन और एक US टीन। अगर आप US में रहते हैं तो US टीन भरेंगे, अगर आप नहीं रहते हैं, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप फॉरेन टीन भरेंगे। टीन आपका पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड का जो नंबर है वही आपका टीन नंबर है, तो उसको आप यहां पर फिलअप कर देंगे। तो देखिए यहां पर पैन कार्ड का जो नंबर है यहां पर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अगला स्टेप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो अगर आपका सेम है तो यहाँ पर आपको चेक मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर आप टिक लगा देंगे। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पर भरना है, जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो भी एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। फिलअप करना आपका एड्रेस लाइन 1, लाइन 2,
टाउन, सिटी, आप पिन कोड, स्टेट, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर भर लेंगे। यहाँ पर अगर आपका एड्रेस सेम है तो टिक लगा देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ यस पे टिक लगा के आप नीचे टिक लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन से कंट्री में हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस एडिशंस पे टिक लगा देना है आपको। आर्टिकल यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 7, यहाँ पर देखिए 7 आर्टिकल सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको 0% रेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है और नीचे आप टिक लगा देना है। अब मोशन पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर्टिकल आपको सिलेक्ट करना है 12, 12 आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको रेट यहाँ पर 15% आपको सिलेक्ट करना है। अब नीचे आपको टिक लगाना है। उसके बाद अदर कॉपीराइट पे टिक लगाना है और उसमें आपको आर्टिकल सेलेक्ट करना है 12। फिर से आपको आर्टिकल 12 यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसमें भी आपको 15% रेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नीचे टिक लगा के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है टैक्स इन्फो का डॉक्यूमेंट फिल हो जाएगा और यहाँ पर इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। तो आपको कंफर्म करना है, इसके लिए आप यहाँ पर टिक लगा देंगे और नेक्स्ट का बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये आपका कन्फर्म हो जाएगा। फुल लीगल नेम यहाँ पर आप टाइप करेंगे, जो आपको पैन कार्ड में दिया हुआ है वो नेम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। यहाँ पर यस पे आप क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसे आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अगर आपको यस करना होगा तो यस करेंगे और नो करना होगा तो नो करेगा। चलिए उसके बाद नीचे टिक लगा देते हैं। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक नया यूट्यूबर है जो नया है, नया चैनल बनाया उसके लिए है, और सेकंड ऑप्शन जो पुराना चैनल है जो पेमेंट उठा लिया है एडसेंस अकाउंट से उसके लिए है। तो नया है तो आप ऊपर टिक करेंगे, अगर आपका पुराना है पेमेंट उठा लिया है तो सेकंड पे टिक करेंगे। मेरा नया है, एक नंबर पर टिक करते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल हो जाता है और ये सक्सेसफुल हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा तो इसी तरह से भर सकते हैं। अगले अपडेट आप अगला वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।